दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप WhatsApp के डिलीट मैसेज को देख सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई दूसरा मैसेज करता है व्हाट्सएप पर और वो मैसेज करने के बाद तुरंत उस मैसेज को डिलीट कर देता है, लेकिन दोस्तों हमें पता नहीं होता है कि उसने क्या मैसेज किया था और क्यों किया था। दोस्तों अगर आपको भी जानना है कि व्हाट्सएप के डिलीट मैसेज को कैसे देखा जाता है तो आप हमारे आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि कैसे व्हाट्सएप के डिलीट मैसेज को देखा जाता है। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिखे उस पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस घंटे वाले बटन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे हमारे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों व्हाट्सएप के डिलीट मैसेज को देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है नोटिस सेव। नोटिस सेव लिखने के बाद सर्च करना है और सर्च करने के बाद इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को अपने मोबाइल में ओपन करना है और ओपन करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अलाउ पर क्लिक करना है और उसके बाद कुछ इस तरीके से अलाउ कर देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद नोटिस सेव ऐप पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस को ऑन कर देना है। उसके बाद फिर से अलाउ पर क्लिक करना है और बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद फिर से अलाउ पर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सभी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑन रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको ऑन करना है और ऑन करने के बाद फिर से ऑफ कर देना है। इससे यह होगा सभी ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएगा। अब आपको व्हाट्सएप को ढूंढ लेना है और ढूंढ लेने के बाद व्हाट्सएप नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। तो चलिए हम भी ऑन कर देते हैं। जिस तरीके से दोस्तों मैंने किया है सब कुछ उसी तरीके से आपको भी करना है, तभी आप व्हाट्सएप के डिलीट मैसेज को देख पाएंगे। अब हम चलिए बैक आते हैं और बैक आने के बाद चलिए व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद चलिए हम अपने दूसरे मोबाइल से कुछ मैसेज कर देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने अपने दूसरे मोबाइल से 3 मैसेज किया है और मैंने तीनों मैसेज अभी तक देखा नहीं है। अब हम उन तीनों मैसेज को डिलीट कर देते हैं अपने दूसरे मोबाइल से। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों मैसेज डिलीट कर दिया है। अब दोस्तों हमें ये नहीं पता है कि ये तीनों मैसेज क्या था। तो इन तीनों मैसेज को देखने के लिए हम व्हाट्सएप को क्लोज करते हैं और नोटिस सेव ऐप को ओपन करते हैं। नोटिस सेव ऐप को ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं व्हाट्सएप पर 3 मैसेज आया है। हम व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि किस नाम से मैसेज आया है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आप यहां पर वो तीनों मैसेज देख सकते हैं जो मैंने अपने दूसरे मोबाइल से करके तुरंत डिलीट कर दिया था। दोस्तों आप यहां पर टाइम भी देख सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप में भी टाइम देख सकते हैं कि कितना बजे मैसेज आया था और डिलीट हुआ था। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको कोई मैसेज करके तुरंत डिलीट कर देता है तो वो मैसेज ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाएगा, जिसे आप जब चाहे तब देख सकते हैं कि किसने हमको क्या मैसेज किया था। तो दोस्तों इस तरीके से व्हाट्सएप के डिलीट मैसेज को देख सकते हैं। दोस्तों ये तरीका बहुत ही आसान है। अगर आपको भी व्हाट्सएप के डिलीट मैसेज को देखना है तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और व्हाट्सएप के डिलीट मैसेज को देखिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।